वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए कंजंक्शन का तीसरा पार्ट। इसके अंदर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार उनका जो प्रायोरिटी बनता है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आप ऐसा करिए, पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप इस तीसरे पार्ट को जो इसमें एक्सरसाइज चल रहा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहले आप क्या, आपको दाब पेज सीखने है, उसके बाद अखाड़े में आना है। अभी देखो अखाड़े में लड़ाई चल रही है, तो इससे पहले आप फर्स्ट सेकेंड को फटाफट से आप तैयार करके आ जाइए। देखिए बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको मैंने ये बहुत अच्छे तरह से समझाया ट्रिक से। अब चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पॉइंट। दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स, नेवी, SSC, NDA और कोस्ट गार्ड तक की आपको इंग्लिश को यहाँ पर तैयार कराया जाता है। ये कंजंक्शन का टॉपिक है, हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है। तो ओवरऑल मैंने जितना भी ये ट्रिक बता दिया है उनको आप फटाफट से एक बार रिकैप कर लीजिएगा, उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी आपको 6 पॉइंट तक क्लियर करा दिया है, इसके बाद अपन का 7वां पॉइंट चलेगा। इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आपको याद हो तो, अगर देखो नॉट ओनली अगर यूज हो रहा है तो इसके साथ क्या चलेगा बताओ, बट आल्सो चलेगा। बोलो येस और नो। चलो मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ उसे, तो इसमें क्या चलेगा, बट आल्सो चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज, एक बच्चे ने मुझे जरा पूछा था, मैं उसे जरा क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था, वो हार्डली वाला कॉन्सेप्ट था, देखिए हाँ देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट था, उससे सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बच्चे बोल रहा था कि सर जी हार्डली आया है, तो हार्डली के साथ तो सर आपने हार जो पहनाया था वो वैन को पहराया था, यानी गाड़ी को पहराया था। हार्डली या फिर स्केयर्सली वो वैन को पहराया जाता है। अब सर जी यहाँ पर वैन तो आया ही नहीं, आपने तो बोला है कि वैन आएगा। बेटा देखो वैन क्या ही है, कंजंक्शन है, मतलब दो को जोड़ने का काम करेगा। अब देखो यहाँ तक तो ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, इसमें जोड़ने वाला कोई कंजंक्शन आया ही नहीं है। जब आगे अगर बेटा कोई सेंटेंस होता ना तो फिर हम यहाँ पर वैन यूज करते, अभी आगे कोई सेंटेंस नहीं है। देखो कंजंक्शन हम सीख रहे हैं, इसका मतलब आप जोड़ना सीख रहे हैं, तो जोड़ोगे तभी जब आगे कोई सेंटेंस होगा, अभी सेंटेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर वैन का यूज नहीं होगा। हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है, अगर ये आगे सेंटेंस होता तो इसमें आप वैन लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 7वां क्वेश्चन, देखिए इसमें लिख रहा है योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ऑन, देखिए अब आपको यहाँ पर देखो नॉट ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम नो एरर। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको नॉट ओनली तो दे रखा है लेकिन बट आल्सो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या बट के बाद क्या आ जाएगा, ऑल्सो आ जाएगा, ठीक है। मतलब नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा पेपर जो सिलेक्ट किया है, बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, मैटर ये करता है कि आपने उसे कैसे लिखा। तो देखो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, अच्छा देखो ये वाला मैंने आपको ट्रिक समझाया था, ये क्या लिख रहा है बताओ, नो मैंने इसे उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा बताओ ऑन, मैंने इसे ए कर दिया तो ये हो गया एन, मतलब नो के साथ एन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। देखो ये एरर भी आ गया, ये देखो इसके साथ जो कंजंक्शन लगाया वो तो ई वाला है जबकि हमें ए वाला लिखना है, तो ए वाला ये हो जाएगा देन। तो देखो यहाँ पर आराम से आपने क्लिक कर लिया, पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ अगर कंजंक्शन का एरर होगा तो वो आपसे यहीं पर पहचानवाने को आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लीजिएगा, नो सूनर दे रखा है ना, तो नो सूनर के बाद क्या होता है कि इंटरोगेटिव टाइप आता है, यानी नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, यानी कि इंटरोगेटिव टाइप आता है, ठीक है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर डिड आ जाता, अभी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर हेड आ गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। अब आपको ये समझना है कि आई हैव नॉट बीन टू न्यू यॉर्क, यानी कि मैं पहले कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ, ठीक है, एंड नाइदर माई सिस्टर, ना ही मेरी सिस्टर गई है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा नाइदर हैज माई सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रहा है इसलिए हमें ये भी सेंटेंस बनाना पड़ेगा, मतलब नाइदर हैज माई सिस्टर और ना ही मेरी बहन गई है। अब देखो अब बच्चे कुछ पूछेंगे सर जी नॉर क्यों नहीं आया, नॉर इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे कोई बात कोई ऐड नहीं किया गया, कुछ जोड़ा नहीं है, उसने सिर्फ नेगेटिव यहाँ पर शो कर दिया है। अच्छा एक चीज और समझो, चलो आगे बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो स्केयर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, यानी जैसे ही मुश्किल से मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। अब एक चीज समझिए ये क्या लिख रहा है, देखो मैंने ट्रिक से आपको समझाया था, ये क्या लिख रहा है बताओ, इस कार, मतलब कार है कार, और बताओ वैन, वैन भी तो एक कार होती है,
इसका मतलब है स्केर्सली के साथ जो कंजंक्शन चलेगा वो वैन वाला चलेगा। तो अब ये देखो स्केर्सली आ रहा है ना, तो यहाँ पर तो देन दे रखा है, जबकि देन नहीं आता, क्या आता है? वैन आता है। तो आपको इस सेंटेंस में वैन देखना जरूरी है, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो आप हमेशा एक चीज याद रखा करें, जब भी आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे आप मैथ्स का देख रहे हैं, हिंदी का देख रहे हैं या फिर इंग्लिश का, आप कभी भी ये अपने माइंड में मत सोचा करो कि मुझे 100% मिल जाएगा, मुझे 100% मेरे दिमाग में आ जाएगा। देखो अभी ऑलरेडी आपको ये सब कुछ नहीं आता। सपोज करिए आपको इसमें, अगर ये 20 हैं तो इसमें से आपको सिर्फ एक या दो आते हैं, पांच आते हैं, बाकी नहीं आता। अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके 20 में से अगर आपने 15 कर लिए, मतलब कि आपको कुछ मिला है, आपने कुछ सीखा है, उसमें आपको खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि पांच क्यों नहीं मिले, मुझे पूरा समझ में क्यों नहीं आया, आप रोने लग गए, तो 2019 भी खराब चली जाएगी। तो ओवरऑल ये है कि अगर कुछ सीख रहे, अगर कुछ भी आपने एक चीज भी अगर नहीं सीखी ना, तो आप हैप्पी हो जाया करो, खुश रहा करो उस चीज से, ठीक है? रिग्रेट मत किया करो। आगे हम बात करते हैं। अब देखो आपने समझ लिया ना, मैंने फटाफट बताया कार मतलब वैन आ जाएगा। आगे बात करते हैं द रीजन वाई। मैंने बोला कि अगर रीजन है, अगर आप कोचिंग टाइम पर क्यों नहीं आए, आप बताएंगे उसका रीजन। सर ने पूछा क्यों, मतलब वाई, इसका मतलब है कभी भी अगर द रीजन वाई आ जाए तो आगे वाले सेंटेंस में आपको बिकॉज देखना है। बिकॉज ज्यादातर एरर में देता है। तो देखो यहां पर क्या है, बिकॉज नहीं आएगा क्योंकि वाई आ गया, वाई ही यहां पर रीजन बता देगा। तो बिकॉज यहां पर कभी भी यूज नहीं करते हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो अनलेस, मैंने आपको दो तीन टॉप दो, बस ये देखो, ये देखिए, देखिए ये वाला रूल जब मैंने आपको सिखाया था उसमें ये बोला था। देखो अन अन मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो इनके साथ कभी भी नेगेटिव नहीं यूज करते। नो नॉट नेवर नहीं आता इनके साथ, ना ही इनके साथ कभी भी मॉडल आता है। तो देखो इसके साथ मतलब नॉट नहीं आएगा। अब आप देख रहे होंगे, देखो 12 में क्वेश्चन कितना ईजी है। देखो अगर ये ABCD यानी मान लीजिए मल्टीपल टाइप क्वेश्चन अगर आता ना MCQ वाला, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ABCD को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है? तो अब आपको ये समझना है, देखो यहाँ पर अनलेस आ गया मतलब अन आ गया, अन का मतलब इसमें नॉट आ गया। जब नॉट आ गया तो आगे आप नॉट यूज नहीं करते, तो देखो डू नॉट यहां से क्या है, हट जाएगा, तो एरर हो जाएगा ए वाले में, ठीक है? अगर मान लो अनलेस अंटिल के साथ यहाँ पर शैल बिल भी आता तो भी वो एरर हो जाता, क्योंकि इसके साथ दो कंडीशन चलती हैं। अनलेस और अंटिल के साथ कभी भी देखो पहले तो नॉट नहीं आना चाहिए, और अगर दूसरी कंडीशन ये भी चेक कर लेना कि कहीं सेल और बिल तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसके साथ फ्यूचर नहीं यूज करते। अच्छा आगे देखो आप कहेंगे सर जी ये तो फ्यूचर यूज कर रहा है। बेटा ये वाला सेंटेंस दूसरा है, यहां तक खत्म हो गया, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है? अच्छा एक और चीज समझिएगा, अगर स्टार्टिंग में कभी इफ या फिर वेन आ जाए, तो आपको इनको जब देखिए इनसे दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है कंडीशनल को, तो इफ के इफ या फिर वेन आता है ना, तो इसके साथ जो सेंटेंस होगा उसके एंड में आपको कभी भी वहां पर देन नहीं लगाना, देन मत लगाना, कई बार एरर पूछा गया है। आगे पूछा देखो नन ऑफ, इसको मैं जरा समझाता हूँ। देखो आइदर ऑफ का मतलब होता है कि, आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है कि दो में से एक, क्या है? आइदर ऑफ का मतलब होता है कि दो में से एक। अच्छा नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। अच्छा अगर मैं बात करूं दो से ज्यादा लोग हैं, मैंने बोला कि 10 लोगों में से कोई नहीं आया, तो वहां पर आ जाएगा नन ऑफ देम। क्या आ जाएगा? नन ऑफ देम का मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं वहां पर, मतलब दो से ज्यादा है और उनमें से कोई भी नहीं। अच्छा एक होता है वन ऑफ देम। अच्छा वन ऑफ देम का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग हैं वहां पर, उनमें से मात्र एक की बात हो रही है, वन ऑफ देम, सिर्फ एक आया है। तो आपको ये समझना है, अगर सिर्फ दो की बात हो रही होगी ना तो यहां पर आइदर और नाइदर आ जाएगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो देखिए अगर कोई भी नहीं आया नेगेटिव है तो यहां पर नन ऑफ लगा दो, अगर एक आ गया है तो वहां पर वन ऑफ लगा दो, ठीक है? चलिए अच्छा अब आपको मैं समझाता हूं। देखिए नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू देखो कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। देखो इसमें आपको एक चीज समझ लेनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो सुनो, एबल टू अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो बताओ ये हो जाएगा अनेबल टू, ठीक है? आपको याद रखना है अगर कभी भी नाइदर या फिर आइदर यदि आपको यूज करना है, तो देखो नाइदर और आइदर आता है टू के बाद, क्या आता है? टू के बाद आता है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो एबल टू, तो देखो आइदर इन दोनों के बीच में आ गया, जबकि आइदर इन दोनों के बीच में नहीं आता, आइदर टू के बाद आता है। तो देखो ये जो आइदर है ना बेटा वो टू के बाद आ जाएगा, ठीक है? अब समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आइदर आ रहा है और मैंने समझाया था दर दो, मतलब दर दो, तो दो के साथ मतलब
और धर, तो और धर मतलब ये देखो और आ गया, तो मतलब आगे तो सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है। इसने क्या किया है बेटा कि दो वर्बों को जोड़ दिया, यहां पर कॉम्प्रीहेंड किया है और यहां पर सॉल्व किया है। चलिए आ गया ना समझ में, आगे बात करते हैं। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। देखो मैंने आपको अभी समझाया था, अगर कभी भी नाइदर के साथ क्या चलता है, नोर, क्योंकि एन एन आना चाहिए। अगर यहां पर आइदर है तो आइदर के साथ क्या चलेगा, और मतलब और दर, और दर ये ट्रिक बताया था। नाइदर ये नेगेटिव है तो यहां पर भी हम नोट लगा देंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर नोर नहीं यूज किया गया है, क्या यूज किया है यहां पर, और यूज किया है। इसका मतलब है गलत यूज किया है, क्योंकि नाइदर के साथ नोर आना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, नोर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे लिख रहा है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। देखो इसमें आपको समझना है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें क्या है गलती कर देंगे, उनका गलती करना स्वाभाविक है, समझो। इसमें दो तीन पॉइंट समझना है आपको। देखो एक बात यह है कि देखिए यहां पर ये लिखा है ना, देखो प्लीज्ड एक्साइटेड मतलब दो वर्ब है, ये क्या है, दो वर्ब है। जब दो वर्ब है तो इसका मतलब है कि यहां पर एंड आएगा, मतलब वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। तो यहां पर दो वर्ब को जब जोड़ा तो एंड से जोड़ा जाएगा, ना कि फॉर से। किससे? फॉर से। यू फॉर से दो वर्बों को नहीं जोड़ते, यहां पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। जैसे रन, जैसे मैंने बोला देखो रीड एंड टीच, पढ़ो और पढ़ाओ, तो देखो दो वर्बों को जोड़ा एंड से। ऐसे ही यहां पर जो ये प्लीज्ड दे रखा है वो भी एक वर्ब है, इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म वाला ये वर्ब बन रहा है, और एक्साइटेड भी वर्ब है, मतलब यहां पर एंड आ जाएगा। अच्छा एक बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी एज वेल एज आता है, इसमें तो एज नहीं आ रहा। मतलब ये हुआ कि देखो जो गलती है वो किस में है बताओ, बी वाले पार्ट में। अब कुछ बच्चों ने तो यहां पर क्या है, फॉर फॉर ही समझ लिया होगा, उन्होंने सिर्फ एज वेल एज ये वो ये सोच रहे होंगे, एज वेल एज क्यों नहीं आया सर जी, एज क्यों नहीं आया। देखो बेटा एक्चुअल में एज वेल एज आपने देखा होगा, एज वेल एज, एज के बाद यहां पर कुछ ना कुछ तो एक तरह से नाउन आता है, क्या आता है, कुछ ना कुछ तो नाउन आता है ना। अब देखो इस आगे तो इस वेल के बाद जो यूज किया जा रहा है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, मतलब ये हो गया कि देखो याद रखना हमेशा, दूसरा वाला जो एज यूज करते हैं ना वो तब यूज करते हैं जब आगे कोई नाउन आ रहा हो। अगर आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या फिर वर्ब आ रही है, तो हम इस एज का यूज नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? देखो एज के साथ वेल आया, ठीक है, तो ऐसे यहां पर एज के साथ कोई ना कोई नाउन आ जाएगा, तो जब नाउन नहीं आ रहा तो हम इस एज का यूज नहीं करेंगे। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि आगे वर्ब दे रखा है, तो टू इनवाइट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब एज वेल बिल्कुल सही लिख रहा है, आ रहा है ना आपके समझ में। अब देखिए आगे, देखिएगा आगे लिख रहा है वेन। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर स्टार्टिंग में कभी भी इफ या फिर वेन आ जाए, देखना आपके पेपर में अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट यूज करते हैं या फिर आप खुद घर पे पढ़ते हैं, तो आप ऐसा करिए एक्सरसाइज लगाइए, आप एक्सरसाइज जब आप लगाओगे ना तब आपको मालूम चलेगा यार राम सर बाकी सटीक बताते हैं, मतलब वहीं पर ध्यान दिलाते हैं जहां से एरर बनता है। यार एरर बनने की बस वही तो एक दो जगह होती है, बस उनको बता दिया जाए बच्चों को कि देखो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, बस वो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। अब उसे टीचर तो नहीं बनना कि उसको ये भी समझाओ कि ये सब क्यों आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये वहां पर नजर जानी चाहिए जहां से गलतियां निकलती हैं, बस वहीं पर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। अब ये देखिएगा, मैंने अभी बताया ना इफ या फिर वेन आए तो इसके साथ कभी भी मतलब देन वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है। देखिए वेन आ गया, अब वेन के साथ इसने क्या कर दिया, देन यूज कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस यहां पर कॉमा लगा सकते हैं, मत लगाओ तो भी चलेगा। तो वेन हर सन गॉट अ जॉब शी वॉज वेरी हैप्पी, जब उसके बेटे की जॉब लगी तो मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, मतलब उसकी मम्मी की बात हो रही है भैया। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपकी जब नौकरी लगेगी तो आपकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये समझ लेना है कि वैन के साथ देन यूज नहीं होता, मतलब ये देख लीजिए हैन यूज नहीं होता, बस ऐसे समझ लो। आगे बात करते हैं, देखो ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट। अच्छा आपने अद्दा पौआ तो खूब सुने होंगे ना, नहीं सुने क्या, हंसो मत मैं सही बोल रहा हूँ। अद्दा पौआ तो मतलब अगर आप इधर से ब्लॉग करते हैं यूपी से आगरा साइड से, तो आगरा में तो आपने देखा होगा बहुत हमारे हरामी बच्चे भी होते हैं, तो उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से देख रखा होगा। देखो आपने देखा अद्दा, अद्दा का मतलब होता है हाफ, यस ना। और एक पौआ, पौआ का मतलब यू नो आई थिंक मुझसे भी ज़्यादा आप जानते हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए।
तो देखो यहां पर एक बात समझिएगा, मैंने बोला अद्दा, मैं मस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं क्या बोलता हूं कि अद्दा, मैं ऐसे ऐसे बोलता हूं, मतलब ये हो गया अद, देखो अ और ये हो गया दा, मतलब अद्दा, ये मेरी ट्रिक है, अद्दा अद्दा पौआ। तो ऑल के साथ दैट चलता है, अगर कहीं जरूरत है तो जरूरत के मुताबिक आप ऑल के साथ दैट यूज करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक एरर बनता है, नहीं एक नहीं बनता, दो चीज बनती है यहां पर, समझो। देखो ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती, एक तो इस वर्ब से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं, इस माने सर जी देखो वो देखो राम एंड श्याम, अब तो मतलब ये दो हो गए, जब दो हो गए तो इसका मतलब है कि देखो दो के साथ आर आ जाएगा। अच्छा ब्रेड एंड बटर, मतलब ये दो हो गए, मतलब आर लगा देंगे। नहीं बेटा देखो एक बात समझेगा, जब दो चीज मिलकर के कोई एक चीज बना दी जाए तो हमेशा वो चीज एक बन जाएगी, मतलब वो सिंगुलर हो जाएगी। अब यहां पर देखो ब्रेड एंड बटर, अच्छा देखो आपने देखा होगा ब्रेड पर बटर भी लगा रहता है, यस और नो, ब्रेड पर बटर लगा रहता है, मतलब ब्रेड एंड बटर ये दोनों मिक्स करके तो एक चीज बनती है, जब एक चीज बनती है तो बताओ सिंगुलर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, तो बस ऐसे ही यहां पर सिंगुलर वर्ब आ जाती है। अब देखो यहां पर ऑल दे रखा है लेकिन दैट नहीं दे रखा, तो यहां पर अद्दा लगा दो, ऑल दैट। तो देखो यहाँ ऑल दैट वी वॉन्ट, मतलब आगे कोई सेंटेंस दे रखा है, अगर देखो एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, तो आपको समझना है यानी ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट, यानी ब्रेड एंड बटर ही है जो हम चाहते हैं, तो जो के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल दैट आ जाएगा। आई होप आपके एकदम डाउट्स क्लियर समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, बस आपको समझना है। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, देखो मैंने आपको कल अभी बताया था कि देखो एज और एज, ठीक है ये सिंपल में आता है, अगर नेगेटिव है तो पहला वाला जो एज है वो सो में बदल जाता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सो आता है फिर एज, और सिंपल में क्या होता है, दोनों ही एज एज आते, दोनों ही गधा आते हैं, ठीक है। और एक बात और बताया था कि इन दोनों गधाओं के बीच में हमेशा कोई पॉजिटिव चीज आती है, क्या होती है, कोई भी कोई चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स The existing ones. अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसका क्या मतलब है, हमें टाइम ही वेस्ट नहीं करना, हमें तो सिर्फ वहां पर ध्यान देना है जहां से गलती निकलती है। देखो एक बात समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये वाला जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, क्या है, पूरा पॉजिटिव है। तो यार पॉजिटिव के अंदर बताओ, पॉजिटिव के अंदर सो एज लगाते हैं या फिर एज एज लगाते हैं, बताओ। अभी वाला दो गधा आते हैं पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, एज एज आना चाहिए, क्योंकि आगे से पूरा का पूरा ही सिंपल है, तो यहां पर सो नहीं, यहां पर क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। और देखो मैंने अभी बताया था सो हो या फिर एज हो, इन दोनों के बीच में क्या आता है, पॉजिटिव चीज आती है, तो यहां पर हाई आएगा, हायर या फिर हाईएस्ट नहीं आएगा, दो गलतियां यहां से एकदम। चलिए अब आपको मैं बता दूं, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, और यहां पर बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। देखो 19वां कितना इजी है कि देखो एज और एज, मतलब सिंपल है तो सही है, एज एज दो गधा आ जाएंगे, अब दो गधा के बीच में कोई क्या आ जाएगा, पप्पू आ जाएगा, पप्पू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो फास्टर, ये तो कंपैरेटिव हो गया, मतलब पप्पू यूज करना है, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, फास्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ लो कि दो गधाओं के बीच में पप्पू आ जाता है, तो दो गधा हो जाएंगे, मतलब एज एज या फिर सो एज हो जाए, तो आपको समझ लेना है कि वहां पर क्या आएगा, पप्पू आ जाएगा, मतलब पप्पू पप्पू पप्पू। अब देखो आगे देखो, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। यहां पर आपको एक चीज समझना है, बहुत सिंपल है, देखो आप वीडियो को रोको, जब मैं समझाता हूं तो आप सोचते हैं सर जी ये तो बहुत नॉर्मल है, हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर वीडियो को रोक करने के बाद आप खुद सोचते हैं ना, उसके बाद आप खुद गलती निकाल सकते हैं, ठीक है। बस समझना है आपको, ये इतना ईजी नहीं है जितना हम बता देते हैं। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, She was running a high fever, मतलब वो बहुत ज्यादा high fever में थी, ठीक है। अच्छा and thus her mother takes her to the doctor, मतलब ये past की बात हो रही है, इधर तो past है और इधर ये present है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मतलब अगर एक कोई मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब उसके जो बाबा हैं, जो उसके बाबा हैं वो पंडित है, मतलब शर्मा है, और उसके जो पापा हैं वो चौधरी हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब इधर तो मतलब शर्मा जी हैं और इधर आपके चौधरी, ऐसे कैसे हो जाएगा, दोनों तरफ क्या है, एक ही चीज चलेगी ना, अगर शर्मा है तो शर्मा जी, पंडित है पंडित जी हो जाएंगे, है ना, अगर चौधरी है तो चौधरी का चौधरी हो जाएगा। तो बस वही वाली बात है कि यहाँ पर देखो ये पास्ट है, तो पहली प्रायोरिटी रखनी है, अगर पहली पास्ट में तो दूसरी वाली पास्ट में होगी, अगर पहले को देखना है पहले के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं सर जी ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट कर दो, नहीं पहले वाले को फिक्स रखते हैं,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा पहली बात तो देखो, एंड दस हर मदर, देखो यहां पर क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट में बहुत इजी है। देखिए पहली बात तो यहां पर एंड नहीं आएगा, मतलब सो आ जाएगा, क्या आ जाएगा सो, और यहां पर जो टुक टेक्स दे रखा है ये पास्ट में चला जाएगा, मतलब टुक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल सी बात है, एंड दस को यहां पर हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, सो हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर, मतलब इसीलिए उसकी मम्मी जो है वो उसे डॉक्टर के पास ले। अब यहाँ पर दैट मत लगा देना, क्योंकि अब ताकि उसकी मम्मी ऐसे लेगी, ऐसे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सो ही बिल्कुल सही सूटेबल है। अब देखो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है था, मैंने ये बोला था कि नो सूनर यदि आ जाए तो नो के साथ कंजंक्शन देन लगेगा, ये बिल्कुल सही है। फिर मैंने ये भी बोला था इसकी दो गलतियां बनती हैं कि नो सूनर के बाद पास्ट टेंस चलता है, तो देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट दे रखा है, मतलब ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो देखो इसका इंटरोगेटिव मतलब पास्ट का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, वो भी गलत है। तो ये बन जाएगा नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, तो हमें याद रखना नो सूनर के बाद इंटरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। अगर नो सूनर के बाद सब्जेक्ट दे रखा है तो सीधे उसे गलत कर देना, मतलब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। बस अगर आप बनाना भी नहीं जानते तो आपको यही देखना है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बस आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे अनलेस मैंने अभी बताया था आपको कि अनलेस हो या फिर अनटिल, इसमें दो कंडीशन चलती हैं, एक तो इसमें नॉट नहीं आता और एक इसमें फ्यूचर नहीं आता, मतलब शैल बिल नहीं आता। देखो अनलेस के साथ नॉट तो नहीं है, बट यहाँ पर फ्यूचर दे रखा है इसलिए यहाँ पर विल नहीं आता, तो बी वाले में एरर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, उसे अपने पास में रखे, लेस्ट यू मे। अब देखो मैंने आपको बताया था लैश लैश लैश, तो ये हो जाएगा शुड, तो लैश शुड जैसी साउंड आ रही है। तो देखो मैंने बोला था कि लेस्ट के बाद जो मॉडल आता है वो क्या आता है, शुड आता है, तो मे वाले में तो कोई साउंड ऐसी नहीं आ रही है। तो देखो आपने कितना आराम से और ये एक्सरसाइज पूरा कर लिया दोस्तों, आपने जितना मुझे प्यार और सपोर्ट किया उस सबके लिए आप सभी का आप रियली बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मतलब ऐसा नहीं खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट और भी इसके स्पॉटिंग एरर्स बचे हुए हैं जो कि मुझे कराना है और आपको समझना है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि सर इस सीरीज को, अभी देखो कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं बहुत जल्दी क्लियर करा दूंगा, बट ओवरऑल ये कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीरीज टाइप से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कंजंक्शन आपका समझ में आ जाएगा। उसमें मैक्सिमम जो गलतियां निकलती हैं वो यहीं से गलती निकलते हैं, तो आपको उनको फाइंड आउट करना है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आप बताना चाहते हैं कि सर आपको हमको बहुत अच्छी ये सीरीज चलती है लग रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।